विश्व टॉयलेट डे के अवसर पर नगर निगम द्वारा महानगर के सभी सामुदायिक सार्वजनिक तथा पिंक टॉयलेट की साफ सफाई किया गया, जिसको देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने रेलवे बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय पर पहुंचकर स्थिति को देखा तथा वहां पर आने वाले नागरिकों एवं महिलाओं से साफ सफाई की जानकारी ली। लोगों ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए नगर निगम को धन्यवाद दिया तथा नगर आयुक्त द्वारा शौचालय के सफाई स्टाफ को फूल देकर तथा माला पहनाकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि विश्व टॉयलेट दिवस के अवसर पर महानगर में बने शौचालय को इस्तेमाल करने वाले लोगों को शुभकामनाएं व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, आज उसी के दिन है कि पूरे देश के हर कोने पर कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे बस स्टेशन पर बने सार्वजनिक शौचालय पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे सैनिटरी, नैपकिन, वेंडिंग मशीन, इंसुलेटर, सभी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर दिव्यांग टॉयलेट, पिंक टॉयलेट भी बने हुए हैं। इस बस स्टैंड पर हर समय नेपाल, बिहार तथा अन्य दूरस्थ इलाकों से लोगों से बातचीत कर जानकारी ली गई, जिससे शौचालय की साफ सफाई में जनता ने काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि शौचालय के संचालक और सफाई कर्मी को 5,000 रुपया एवं प्रशस्ति पत्र के साथ इनाम दिया गया। इस अवसर पर उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, नोडल अधिकारी, जोनल अधिकारी एवं सफाई कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, क्या नाम है, क्या नाम है? हमारा क्या नाम है? हमारा भाई अहमद। किसी समय भी ये खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है। इसकी व्यवस्था से आपको संतुष्ट? हाँ सर। तो बिहार से कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ बिहार से बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। तो आप यहाँ जाए, यहाँ से जब जाइएगा बिहार, बताइएगा यहाँ के बारे में, गोरखपुर जो है कैसे वहाँ पर टॉयलेट को सब लोग मिलकर स्वच्छ रख रहे हैं। अभी नेपाल से भी लोग आए थे, देख सबसे अच्छी बात ये देख रहा हूँ कि नेपाल से भी लोग आए हुए हैं, बिहार से भी आए हैं। जहाँ अंतर मतलब प्रदेशी चल रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भी पास से लोग यहाँ आ रहे हैं। और उन सभी लोगों ने हमारे इस टॉयलेट की स्वच्छता को लेकर बड़ी अच्छी बात कही है। और इसमें सारी सुविधाएँ जो आज के एक डिलक्स टॉयलेट में होनी चाहिए, एक जो कह सकते हैं कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, ये सभी हमारे टॉयलेट हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो सफाई कर्मी है, आज का इन लोग का हमने सम्मान किया है। सम्मान इसलिए कि एक तो इनके अंदर इससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा और लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप देखो कोई कहीं पर भी सड़क पर बाथरूम ना करें, यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे खुला हुआ, इसका आकर आप सब लोग इसका इस्तेमाल करें। तो अपनी जो नगर निगम की हमारी पूरी टीम है, अपन नगर आयुक्त साहब, उप नगर आयुक्त साहब, सहायक नगर आयुक्त साहब श्री मणिभूषण तिवारी जी जो कि SBM के प्रभारी हैं, और उनके अनुभव और उनकी मेहनत की वजह से जो हमारा गोरखपुर में स्वच्छता की नई अलग जग रही है, साथ साथ जो हमारी SBM की पूरी टीम है उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा आगे हमेशा इसी प्रकार से इन शौचालयों के साथ साथ पूरे क्षेत्र में स्वच्छता की जो है एक नई कीर्तिमान स्थापित की जाएगी। स्पेशली फॉर लेडीज है, लेडीज एंड गर्ल्स आगे आ जाएंगे। आपको पूरे सर हैं, नगर आयुक्त हैं यहाँ के, आप लखनऊ से और भी आप कई बड़े बड़े शहरों में आप लोग गए होंगे, इसकी सफाई को लेकर कहीं नहीं है। और अच्छी बात है, और आप सफाई से संतुष्ट हैं? आपने भी इस्तेमाल किया है? आइए आइए, कोई आज चूंकि
तो शौचालय से हटा दीजिए, इधर आइए मैडम। ये कितनी अच्छी बात कर रही है कि ये जब भी बाहर से यहाँ आती है पिंक टॉयलेट को इस्तेमाल करती है। और आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुयोग्य प्रेरणादायी नेतृत्व में जो हमारा गोरखपुर शहर है स्वच्छता के नए कीर्तिमान रोज स्थापित कर रहा है। और इससे हम लोग को भी पूरी हमारी टीम को बहुत बल मिलता है कि आप कह रही है बाहर से आने वाले, अभी आपने देखा पीछे की नेपाल से आए हुए लोग थे, बिहार से आए हुए लोग थे, आप नौतनवा थे और बता रहे वहाँ से आए हैं और कह रही है कि जब भी यहाँ आती हैं अपनी बस से या टेम्पो से किसी उतरती सबसे पहले यही आकर इसको इस्तेमाल करती है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सफाई का स्तर है बहुत ही उच्च कोटि का है। निश्चित रूप से मैं ऐसी मात्र शक्ति को भी सलाम करना चाहूँगा इस मौके पर जो लोग सफाई सफाई कर्मचारियों को बधाई देना चाहूँगा, वो इस स्टैंडर्ड को लगातार मेंटेन करें जिससे कि और भी जो हमारे यहाँ मात्र शक्ति यहाँ पर आए वो इसको इसी प्रकार से इसकी प्रशंसा करती है। यदि आपने इस्तेमाल किया आज भी तो है आज लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग आए और बड़ी संख्या में इसको इस्तेमाल करें। आज क्योंकि जैसे कि मेल की बात होता है कहीं कभी सड़क पे बाथरूम कर सकते हैं ना, बहुत ही अच्छा है। और ये आज संचालक महोदय को इस वर्ल्ड टॉयलेट डे पर कितने सफाई कर्मचारी हैं? यहाँ पाँच है, तो प्रत्येक कर्मचारी को 1,000 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये का वो तत्काल जो है एक प्रवृत्ति पत्र के साथ इनको आप हाजिर किया जाए। आप देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से और जो अंतर प्रदेशी बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं, बिहार से, नेपाल से सब लोग आ रहे हैं। अभी आपने देखा अचानक हम लोग को दो हमारी मातृशक्ति मिल गई, माताएं बहनें थी उन लोग, और उनको अचानक हम लोगों ने पूछा, उन्होंने इसकी इतनी तारीफ किया। तो निश्चित रूप से जो आज का विश्व शौचालय दिवस हम लोग मना रहे हैं उसका मोटिव भी यही है कि इनकी बातों को सुनकर हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे संचालक और मोटिवेट हूँ। और निश्चित रूप से ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। और देखिए यहाँ पर सभी कुछ आपका चल रहा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। और इसी प्रकार से जो है उसको मेंटेन करिए, जो भी है ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। मैं चाहूँगा संचालक महोदय लगातार इसको जो है सभी स्वच्छता को मेंटेन करते हैं। ₹5,000 की इनाम अभी इनको दिल मिल जाएगा, बता दीजिए कि संचालक महोदय उसको सभी कर्मचारियों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्व शौचालय दिवस के मौके पर इसके इस्तेमाल करने वाले समस्त लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। जैसा कि आप भी जानते हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब पहली बार शपथ ग्रहण किया था तो सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता, पूरे देश में स्वच्छता की एक अनूठी शुरुआत की थी, एक नई अलग जगाई थी। और उसी का एक परिणाम है कि पूरे देश में आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको हर कोने पर कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट और इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन देखने को मिल जाएंगे। और आज करीब करीब हमारा पूरा देश जो है जो खुले में शौच आदि से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अब जो एक लड़ाई चल रही है कि जो बहुत से लोग अभी भी जागरूकता न होने की वजह से खुले में पेशाब आदि कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नई मुहिम चलाई गई है कि लोग खुले में न शौच करें न खुले में पेशाब करें। और ये जो शौचालय बने हुए हैं, क्योंकि ये जो शौचालय हैं इनको जो शौचालय किसी भी सभ्यता और संस्कृति का उसके उसका क्या स्वास्थ्य का क्या पैमाना है, अगर हमारे चारों तरफ आप अपने पास शौचालय पा रहे हो। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि नेपाल से, नौतनवा से और जगह से कुछ महिलाएँ भी यहाँ आई थी और उन्होंने बताया कि जैसे भी बस से वो उतरी
सबसे पहले उन्होंने जाकर पिंक टॉयलेट को इस्तेमाल किया। अगर ये पिंक टॉयलेट होती यहाँ पे ना होता तो मातृशक्ति कहाँ पर जाती। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी प्रकार अभी हमने देखा कि नेपाल से भी कुछ लोग और भी लोग आए थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अगर आज ये टॉयलेट इस तरह ना होते तो निश्चित रूप से ये लोगों के मन में एक स्वास्थ्य के प्रति, लोगों के मन में जागरूकता की एक नई मुहिम छेड़ने में, लोगों के मन में जागरूकता एक पैदा करने में बहुत ही एक कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और आज का वर्ल्ड टॉयलेट डे का उद्देश्य भी यही है कि इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, एक तो लोगों को इसका इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना, प्लस जो लोग इसकी सफाई को मेंटेन कर रहे हैं, जो लोग इसको संचालित कर रहे हैं, उन लोगों के मन में भी एक नए ऊर्जा का संचार करना। और आपने देखा भी होगा यहाँ पर कि सारी जितनी अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं सभी लैस हैं, चाहे वो यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन हो, चाहे आपका फीडबैक मशीन हो, इंसिनेटर हो, सभी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे दिव्यांग टॉयलेट भी बने हुए हैं, रैंप भी बना हुआ है। तो ये हमारे बस स्टैंड पे, जबकि आप देखते हो इस बस स्टैंड पे हर समय नेपाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से लगातार इसमें बसें आती रहती हैं और बहुत बड़ी संख्या में दूर दराज से यात्री यहाँ पे आते हैं लंबी लंबी यात्रा करके, जिनको कि तत्काल ही इस प्रकार के शौचालय की ज़रूरत पड़ती है। तो ये शौचालय जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे गोरखपुर शहर के एक स्वच्छ गोरखपुर, स्वस्थ गोरखपुर बनाने में निभा रहा है। आज एक बार पुनः मैं अपने पूरे शहरवासियों को इसके विश्व शौचालय दिवस के मौके पर बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और सबसे ये एक अनुरोध भी करना चाहूँगा, कहीं पर भी खुले में ना शौच जाएं, ना पेशाब करें, इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। ये आप ही के लिए बना है सर, संचालक की नाम ये आज जो हमने यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुछ मातृशक्ति से कुछ हमारे भाई थे, उनसे हम लोगों ने अचानक ही उनसे बात किया, जिन्होंने अचानक निकल के इस्तेमाल करके बाहर आ रहे थे, और हम लोगों ने उनसे इसकी स्वच्छता के बारे में जानना चाहा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि साहब हम जब भी आते हैं सिर्फ इसी को इस्तेमाल करते हैं, और ये इसी प्रकार से किसी आज के दिन ही साफ़ नहीं है, ये रोज़ इसी प्रकार से हमको साफ़ मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ के हमारे सफाई कर्मचारी हैं, संचालक महोदय हैं, उन सभी सफाई कर्मचारियों को, 5 लोग की टीम यहाँ पर लगी हुई है, सभी लोगों को यहाँ पर 5001 रुपये का जो प्रशस्ति पत्र के साथ उनको एक इनाम दिया गया है, उनके मोटिवेशन के लिए, उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह का संचार करने के लिए।